जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान नाम की महिमा। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाग दो। भगवान के नाम से क्या क्या आनंद होता है, उसका कोई पारावार नहीं। नाम महाराज की अपार महिमा है, असीम महिमा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सीताराम जी को इष्ट मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं, परंतु नाम की महिमा गाते हुए वे कहते हैं, कहों कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। नाम की महिमा मैं कहां तक कहूं, भगवान राम भी नाम की महिमा कह सकते नहीं, अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देते हैं। अर्थात इस नाम की महिमा के विषय में हमारे श्री रघुनाथ जी भी असमर्थ हैं। भाई, नाम की महिमा कहाँ तक है, यहाँ तक है ऐसा कहने में भगवान भी असमर्थ हैं, अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देना क्या तिरस्कार नहीं है? नहीं नहीं, आदर है। कैसे? इस नाम की सीमा है ही नहीं कि भाई इसकी इतनी इतनी महिमा है। नाम की तो अपार असीम महिमा है, वह नाम हर समय लिया जा सकता है, काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते आदि हर समय भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान ने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति रख दी, और इसमें विलक्षणता यह है कि इसके लेने में कोई समय नहीं बांधा गया कि अमुक समय में नाम ले सकते हूँ, उसके सिवाय नहीं। प्रत्युत भगवान ने तो नाम लेने में सब समय छूट दे रखी है। नाम को तो सुबह, शाम, दोपहर हर समय ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे भाग्य में नाम लेना लिखा नहीं है। तो सज्जनों, अभी नाम जप करके अपना नाम लिखा लो, इसमें देरी का काम नहीं है। नाम जप का दफ्तर हर समय खुला है, कभी भी लो, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, संपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में, आप भगवान का नाम लें तो अभी लिखा जाएगा और नाम की पूंजी हो जाएगी। अब नाम को भूल ना जाएं, इसका ख्याल रखना है। उसके लिए एक उपाय बताएं, आप लोग ध्यान देकर सुने। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु, आपको मैं भूलूं नहीं। ऐसा मिनट मिनट, आधे आधे मिनट में आप कहते रहो। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ी नींद आ जाए तब तक, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा कहते रहूं। राम 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 कहते हुए साथ में कह दें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जब आप राम 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 कह रहे हैं, राम राम कहते हुए भी मन से दूसरी बात याद आ जाती है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान से कहो, हे नाथ, मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपका नाम लेता रहूं और आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से यह भूल मिट जाएगी, भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा। अखंड ताली लागी नाम से और पड़ो समंदर सीर, समंद से सीर, भगवान के नाम की धुन लग जाएगी, फिर आपको भीतर स्मरण करने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा। परंतु पहले आप नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो। कोई 1960 और 65 विक्रम संवत की बात होगी, हमें तारीख सही से याद नहीं। मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था जो कि उन्होंने अपने प्रेमी के प्रति दिया हुआ था। छोटा कार्ड था, पहले छोटा कार्ड हुआ करता था,
एक दो पैसे के कार्ड में मैंने समाचार पढ़ा था, अपने सेवक के प्रति लिखा था, एक नाम छूट जाए। इतना काल समय अगर खाली चला जाए तो ब्याह हुआ बेटा मरे उससे भी ज्यादा शोक होना चाहिए। राम राम राम, गजब हो गया, यह लिखा था उसमें। ब्याह हुआ लड़का मर जाए तो हृदय में एक चोट पहुंचती है कि ऐसा कमाने वाला सुपुत्र बेटा मर गया तो उससे भी ज्यादा दुख होना चाहिए। एक नाम उच्चारण करें इतना खाली समय जाने पर, क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े हो जाएंगे, गृहस्थों के और फिर पैदा भी हो जाएंगे, परंतु समय थोड़े ही पैदा हो जाएगा। जो समय खाली गया वह तो बड़ा घाटा लग गया, वह तो गया। इस वास्ते हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद ना हो जाए। जो दिन जाए भजन के लेखे सो दिन आसी गिनती में, वह दिन गिनती में आएगा। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत नहीं, वह तो बर्बाद हो गया, बड़ा भारी नुकसान हो गया, घाटा लग गया बड़ा भारी। अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया, अब सावधान हो जाओ। सज्जनों भाइयों बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि भगवान का नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद करो। भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वे हमें याद आते रहें। हमें भगवान को याद करना है, घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान याद आए। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर नाम लिख दो। जहाँ ज़्यादा दृष्टि पड़ती हो वहाँ भगवान का नाम लिख दो। ऐसे गृहस्थ के घर को मैंने देखा है, जहाँ सीढ़ी उतरते हैं तो नाम लिखा हुआ है, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो सामने भगवान का नाम लिखा हुआ है, जहाँ घूमते फिरते हैं वहाँ नाम लिखा हुआ है। वे नाम इस वास्ते लिखे कि मैं भूल ना जाऊँ, प्रभु के नाम की भूल ना हो जाए। ऐसी सावधानी रखो सजनों, यह असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना नहीं हान, इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल फायदा ही फायदा, बस फायदा ही फायदा। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए, एक भी श्वास खाली न जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।